व्हाट्स गुड एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिमांशु है। तो आज की वीडियो में एक नया शो लेके आया हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है मेरे चैनल पे और मुझे बहुत ज़्यादा डीएम रिक्वेस्ट आ रही हैं इसकी और बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे कि इस शो के बारे में बात हो रही है। तो हाँ, जैसे आपने इसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल पढ़ ही लिया होगा और जो मैं शूज़ लेके आया हूँ वो है फाइनली एयर जॉर्डन 1 ट्रैविस स्कॉट। ये हाई वर्जन नहीं है, मैं हाई वर्जन भी लेके आऊँगा, ये अभी मैं लो वर्जन की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कहाँ से ख़रीदा है। ये मैंने ख़रीदा है शूनिवर्स से, ये एक इंस्टाग्राम पेज है और ये ऐसी पैकेजिंग में आता है। इनका यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी लिखा हुआ है @shooniverse_07 और इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, इनका लोगो है। और ये शूज़ मेरे को पड़ गए थे 3050 मतलब 3050 रुपीज़ के इंक्लूडिंग शिपिंग और ये मुझे लगभग 5 दिनों में डिलीवर हो गए थे। ऐसा इसका बॉक्स है, ब्राउन बॉक्स। ये यहाँ पे थोड़ा फटा हुआ आया था बॉक्स, तो यहाँ पे मैंने फेविकोल लगा के थोड़ा टेम्परेरीली काम कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा फट रहा था बॉक्स। और ये वो शू जैसा आप देख सकते हो, तो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ कि सबसे पहले शूज़ के साथ और क्या क्या चीज़ मिली है। तो बॉक्स के अंदर जैसा आप देख सकते हो एक्स्ट्रा लेसेस मिले हैं, पिंक लेसेस और क्रीम लेसेस। इसके साथ ब्लैक लेसेस इसमें लगे हुए मिले हैं और एक्स्ट्रा रेड लेसेस नहीं मिले इसके साथ जो ओरिजिनल के साथ होते हैं। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि ये मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको मन कर रहा है ख़रीदने का आप ख़रीदिए, अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये ले लीजिए, अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड कर सकते हो तो उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि अगर आप ओरिजिनल को सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं कहीं किसी भी एंगल से इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक 1,15,000 के शू से, ये 3,050 रुपीज़ का शू है और ऑब्वियसली फ़र्क तो बहुत होगा। और हाँ, इसके साथ बॉक्स में एक जॉर्डन का कार्ड मिला है और पिंक कलर का पेपर मिला है जो ओरिजिनल के साथ भी मिलता है, पर इसके फॉन्ट में यहाँ पर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड सा प्रिंट है इसका। और जैसे मैंने आपको बताया शू लेसेस, ये रहा शू। तो इसके साथ यहाँ पे शू ट्री भी मिली है और जो ओवरऑल शू की सिलुएट है बहुत अच्छी लगी मुझे। जैसा आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर का स्वेड नहीं है, स्वेड जैसा फील देने की कोशिश की है इन्होंने पर ये स्वेड किसी भी एंगल से नहीं है। और ब्लैक कलर में जो यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया है काफ़ी अच्छा मटेरियल है, नूबक जैसा लगता है पर ये भी नूबक नहीं होगा, पर एटलीस्ट ये फील तो देता है नूबक की। और यहाँ पे जो इन्वर्टेड स्वूश है ये क्रीम कलर का है लेदर में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा ये। और हाँ, मैंने ओरिजिनल देखे हैं शूज़, मैंने पहन के भी देखे हैं, ट्राई किए हुए हैं ओरिजिनल और मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कैसा है। जो यहाँ पे इस वाइट स्वूश का लेदर है ये मेरे को काफ़ी हद तक ओरिजिनल जैसा ही लगा, एग्जैक्टली कॉपी नहीं है पर हाँ कलर और उसकी फील थोड़ी लग रही है कि सेम हो सकती है, क्योंकि अभी साइड बाय साइड मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और पीछे यहाँ पे दिया हुआ है जॉर्डन का विंग्स लोगो जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड नहीं हुआ है, इसको एम्ब्रॉयडरी ही बोलते हैं ना, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ही है या नहीं ये। और यहाँ पे रेड में है ये और दूसरी साइड पर आप देखोगे ब्राउन स्वूश उसी लेदर में, मैं इसको लेदर भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको प्लास्टिक ही बोलूँगा क्योंकि प्लास्टिक जैसे फील देता है। तो यहाँ पे स्वूश है ब्राउन कलर में और यहाँ पे कैक्टस जैक लिखा हुआ है रेड कलर में। इसकी जो टंग है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छी होगी इतनी टंग, तो यहाँ पे जो इसका टैग दिया हुआ है नाइकी एयर का वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है और काफ़ी ज़्यादा क्लियर है बाकी शू के कंपेरिजन। और पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना और यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे जितने भी चीज़ें लिखी है कि नाइकी एंड द स्वूश आर ट्रेडमार्क, तो ये वाली चीज़ भी ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो टंग है मटेरियल एग्जैक्टली सेम है, कोई फ़र्क नहीं लगा, पर ये थोड़ी सी पतली है और थोड़ी सी फ्लिमजी है। और यहाँ पे आपको कैक्टस जैक का पैच भी मिल जाएगा अंदर से, मैं आपको बता देता हूँ इनसोल का। इनसोल इसकी एक इनसोल ऐसी है जिसमें लिखा हुआ ट्रैविस स्कॉट इन्वर्टेड और लिखा हुआ नाइकी एयर और यहाँ पे कैक्टस जैक का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, फेस लोगो। और जो दूसरा शू है उसकी इंसोल में भी आपको कैक्टस जैक लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे जॉर्डन का विंग्स लोगो है और नीचे जॉर्डन जंपमैन लोगो है। और जो यहाँ पे जो शू का जो आउटसोल है कलर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है ओरिजिनल से और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखी इसमें, सब कुछ सेम है आउटसोल में। स्टिचिंग भी अच्छी है एक शू में, पर दूसरे शू में यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैप कर गई है, तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
और नीचे से भी सोल एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे स्टडीनेस का फ़र्क है, ये थोड़ी सी हल्की सी फ्लिमजी है और ओरिजिनल में थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। और इसमें जो लेफ्ट साइड का जो शू है उसके पीछे कैक्टस जैक का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है फेस वाला, और यहाँ पे अंदर आपको मिल जाएगा साइजिंग टैग जिसमें QR कोड भी है और वो वर्किंग है, मैंने चला के देखा था। और इसकी जो इनर सॉक लाइनिंग है ये है ब्राउन कलर की, एग्जैक्टली सेम है। मुझे नहीं पता कि ये सारे मटेरियल एक ही फैक्ट्री से उठाते हैं या क्या करते हैं, पर काफ़ी सारी चीज़ें जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। और इसके जो शू लेसिस हैं ये थोड़े गलत हैं, मैं बताना चाहता हूँ। ये फ्लैट लेसिस तो हैं ब्लैक, पर ये वैक्स लेसिस नहीं है, ये नॉर्मल कॉटन फ्लैट लेसिस हैं। इसमें कोई शीन नहीं दिखेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और साइजिंग की बात करूँ मैं शू की, तो आप इसका ट्रू टू साइज़ ही लीजिए, जो भी आपका साइज़ है आप वही लीजिए। और मैं आपको थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ जो आपको थोड़ा बॉदर कर सकती हैं, जैसे इसमें स्टिचिंग कहीं कहीं पर ओवरलैप की है, यहाँ पर भी अंदर ओवरलैप की गई है लेदर में। और लेदर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, स्वेट तो है ही नहीं है। और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया इनसे एम्ब्रॉयडर्ड जो विंग्स लोगो है इसमें। और इन चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ देखा था, सब कुछ सही है, मैंने इसको ट्राई करके देखा था। कंफर्ट वाइज ओरिजिनल को मैच तो नहीं करेगा ये, पर हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है। और काफ़ी सारी आउटफिट्स के साथ आप इसको पेयर कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो तो आप यूनिवर्स के पास जाके ये शू ऑर्डर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको शेयर करना है तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो इसको, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस लेके आऊँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मुझे ये भी याद है कि इसका जो हाई टॉप वर्जन है ट्रेविस स्कॉट 1 हाई जो है वो भी मेरे को लेके आना है, मेरे को बस अच्छा एक सेलर नहीं मिल रहा उसका जो अच्छी क्वालिटी का शू मेरे को प्रोवाइड करे। तो जैसे ही मेरे को मिलेगा मैं उसका भी रिव्यू करूँगा, तो अभी तो फ़िलहाल इसका मैंने कर दिया है। और बहुत सारे अभी नए नए शूज़ और भी आ रहे हैं जिनका मैं रिव्यू करूँगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कंटेंट के साथ मिलता हूँ। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। और हाँ, अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो नहीं किया अभी तक, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर लीजिए, नीचे कहीं पर मैं डाल दूंगा इसका हैंडल अपने इंस्टाग्राम पेज, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।